हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखें दाल के कबाब बना रहे हैं। बहुत अच्छे लगते हैं दाल के कबाब, सभी को, बच्चों को खासकर बहुत पसंद होते हैं। जब भी कबाब घर में बनते हैं बहुत खुशी से खाना खाते हैं, बहुत शौक से खाना खाते हैं और इतने बढ़िया बने हैं, आइए हम आपको बताते हैं। तो हमने ये 500 ग्राम मुकद्दम ले लिया है, जो रूखा क़ीमा होता है ना, मुकद्दम जिसे बोलते हैं। तो ये बीफ का मुकद्दम है, हमने धोकर एक साइड में रख लिया है। हमने 20 से 25 ग्राम के करीब चने की दाल ले ली है, इसे अच्छे से धो लेंगे। तो दाल आप ज़्यादा ना डालिएगा वरना अच्छे कबाब नहीं बनते हैं, भुरभुरे से बनते हैं और बिखरवा होते हैं, वो बहुत जल्दी टूटने लगते हैं, बन नहीं पाते, तवे तक भी नहीं जा पाते, अच्छे से सिक नहीं पाते हैं। तो आप दाल बस थोड़ी ही लीजिएगा। और मैंने दाल को देखें इस तरह से धोकर रख लिया है। मैं इंस्टेंट बिना भिगोए दाल को ही यूज़ करूँगी, फ़ौरन ही भिगोकर फ़ौरन ही धोने के बाद मीट में मिला दूँगी। मुझे सोक नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ज़्यादा देर भिगोना नहीं है, बस फ़ौरन ही धोएंगे और मीट में मिला देंगे। तो हमने मीट को कुकर में डाल दिया है और दाल भी हमने कुकर में डाल दी है। बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, पानी नहीं हमें डालना है, क्योंकि हम ये जो और चीज़ें डाल रहे हैं ना, प्याज डाल रहे हैं दो मीडियम साइज़ और आधी लहसुन की गांठ है और 5 से 6 इंच का अदरक का पीस है जिसे हमने मोटा मोटा रफली काट लिया है। आपको नज़र आ रहा होगा मैंने लाल मिर्चों का यूज़ किया, आज मैं टोटल साबित लाल मिर्चों का ही यूज़ करूँगी। देखें तो सारी चीज़ों को डालने के बाद, नमक डालने के बाद, मैं आधा छोटा चम्मच देखें पिसा हुआ घर का गरम मसाला डाल दिया है। आप बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास घर का पिसा ना हो। तो मैंने 2 तेज़पात भी यूज़ किए हैं और ये देखिएगा मैंने 2 छोटे चम्मच दानों का धनिया भी इसमें डाल दिया है। तो ये सारा पानी जो नज़र आ रहा है आपको कुकर में, ये मीट का अपना पानी है और हमने दाल जिस पानी में धोई थी ना, वो थोड़ा सा पानी है। तो यहाँ पर मैंने बस थोड़ा सा पानी और ऐड किया है, मुझे कम लग रहा था, तो ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो देखिएगा मैंने 10 मिनट पकाने के बाद, 5 मिनट हाई फ्लेम पर, बाकी टाइम मीडियम फ्लेम पर पकाने के बाद चेक किया, आप देख सकते हैं लगभग हमारा मीट तैयार है। इसमें हल्का सा पानी नज़र आ रहा है, देखिएगा बहुत थोड़ा सा। तो हम इसे ड्राई कर लेंगे ऐसे ही खुले हुए कुकर को, गैस पर रख देंगे और हाई फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर आप कीजिएगा थोड़ा सा इसे ड्राई, वरना ये कबाब जो हैं बहुत नरम हो जाएंगे, क्योंकि हमें इसको ठंडा करने के बाद पीसना है ये सारा बैटर, तो कबाब हमारे नहीं सिक पाएंगे अगर ये गीला रहा। तो देखिए मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और ये यहाँ पर ड्राई हो रहा है। तो गैस का फ्लेम का ध्यान रखिएगा, ये बहुत जल्दी जलने लगता है, इसका फ्लेम मीडियम ही रखिएगा, तो थोड़ा सा जो इसमें पानी है वो ड्राई हो जाए तब हम ठंडा कर कर एक प्लेट में निकालने के बाद और इसे फिर पीसेंगे। तो बहुत अच्छे से दाल के कबाब हम बनाने जा रहे हैं। आप रोटी से खाइए, चपाती से ही बहुत अच्छा लगता है दाल का कबाब, और पराठे और पूरी से तो लाजवाब हैं ये दाल के कबाब। नाश्ते में खाइएगा, बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे दीजिएगा, बहुत शौक़ से खाते हैं। पराठा कबाब का तो बहुत अच्छा जोड़ है। तो अचार से भी बहुत अच्छा लगता है कबाब, तो ज़रूर बनाइएगा आप लोग भी इस रेसिपी से। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स में और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मुझे ये देखिए पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गए और लगभग देखें हमारा जो मीट था वो बिल्कुल अब ड्राई हो गया। तो मैं एक प्लेट में इसे निकाल लेती हूँ। तो बड़ी फैली हुई प्लेट या थाली में निकालिएगा, जिससे ये होगा कि ये अच्छे से खुलकर फैलकर और ये ठंडा हो जाएगा। और आप चाहें तो इसे फ्रिज या फ्रीज़र में भी ठंडा कर सकते हैं, अगर आप जल्दी में कबाब बना रहे हों, टाइम ना हो आपके पास, तो आप इसे फ्रिज या फ्रीज़र में रखकर
ठंडा कर सकते हैं, वरना आप इसे फैन के नीचे रख दीजिएगा, ये ठंडा हो जाएगा सारा मिक्सचर हमारा कबाबों का। तो बस हमें क्या करना है, तेज़पात नहीं पीसना है, बाकी सब ऐसे ही पीसना है मीट को। तेज़पात के पत्ते निकाल लेने हैं। तो देखिए इतना बारीक हमने मिक्सी में डालकर पीस लिया है मिक्सी के जार में, और निकाल लेंगे एक सेपरेट बोल में, मिक्सिंग बोल में हम मीट को। और इसमें हम खट्टा मसाला डालेंगे, प्याज डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे। आप पुदीना खाते हो तो पुदीना भी डाल सकते हैं, या दोनों ही चीज़ें डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं मीट की कंसिस्टेंसी इस तरह की होना चाहिए, बहुत ही भुरभुरा सा या दरदरा सा पिसा हुआ ना हो, बल्कि अच्छे से बारीक सा पिसा हो। तो जितना अच्छा लज्जदार हमारा मीट पिसा होगा तो उसी तरह के कबाब हमारे बनेंगे। तो मैंने दो मीडियम साइज़ प्याज और अच्छी क्वांटिटी में हरा धनिया और 6 से 7 हरी मिर्चें लेकर सारी चीज़ें चॉप करने के बाद मीट में मिला दी हैं। अगर आपको यहाँ पर मीट टाइट लगे, हार्ड लगे, तो आप हल्का सा पानी का यूज़ कर सकते हैं, वरना मसाले मिलने के बाद भी ये थोड़ा सा पतला हो जाता है, क्योंकि पानी जो होता है वो प्याज में भी होता है, वो भी रिलीज़ करता है, हरे धनिए में भी होता है। और फिर भी अगर आपको ये बैटर हार्ड लगे, आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी का यूज़ कर लीजिएगा और इसे थोड़ा सा नरम सा बना लीजिएगा। देखिए हमने ये कबाब बना लिए हैं, जितने मुझे आज फ्राई करना है मैंने उतने ही बनाए हैं। बाकी बैटर आप आराम से किसी भी एयरटाइट डब्बे में कर रख सकते हैं, फ्रिज में 1 हफ्ते तक भी ख़राब नहीं होगा। आप प्याज ना चाहें तो ना डालें, क्योंकि प्याज कभी कभी मीट को खट्टा कर देता है, तो प्याज उसी टाइम डाल सकते हैं जब आपको बाकी का मीट यूज़ करना हो। आज ही मैं मस्टर्ड ऑयल में फ्राई करूँगी, मस्टर्ड ऑयल में फ्राई किए हुए दाल के कबाब बहुत अच्छे लगते हैं। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में गैस का फ्लेम हाई रखिएगा और बीच में मीडियम कर दीजिएगा, और अलटते पलटते हुए अच्छे से सेकिएगा। सारे ही कबाब देखें, जितने मैंने बनाए थे, जितने मुझे चाहिए थे आज, मैंने उतने ही सारे कबाब पैन में लगा दिए हैं। तो देखें कितना बढ़िया सा इनका कलर आया है, आप देख सकते हैं, और कितने बढ़िया सिक रहे हैं। बहुत अच्छे लगते हैं दाल के कबाब, कच्चे गोश्त की टिक्कियों से कहीं ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और इनका मीट आप काफ़ी दिन तक आराम से बिना प्याज डाले सेव कर फ्रिज में रख सकते हैं। तो देखें कितने बढ़िया से सिक गए, कुरकुरे से बने हैं, देखने से ही लग रहा है कितने टेस्टी कबाब हैं हमारे। तो आप लोग इस रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा कबाब, और सारे इंग्रेडिएंट्स डालिएगा जो जो मैंने आपको बताए हैं, तो उनसे बहुत अच्छे बनेंगे ये। अभी मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कितने खस्ता कबाब हैं, देखिए हमारे ना हार्ड हैं ना ही सॉफ्ट हैं ज़्यादा, बिल्कुल एकदम बढ़िया हैं। देखिए मैं टेस्ट कर आपको दिखाती हूँ, लाजवाब कबाब बने हमारे। तो आप लोग भी इस रेसिपी से ज़रूर बनाइए।